हे माय लवली फूडीज़, वेलकम बैक टू स्नेहा गुप्ता रेसिपीज़ एंड वीलॉग चैनल। और आज मैं आप लोगों की डिमांड पे बनाने वाली हूँ प्रोटीन पैक सोयाबीन की रेसिपी। स्नैक्स रेसिपी है ये और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ इसे हम बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है बनाना, लेकिन खाने में उतने ही चटाकेदार है। तो रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं हम आज का ये रेसिपी। सोयाबीन स्नैक्स रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटा कप सोयाबीन और इसे मैं बॉईल करने वाली हूँ पानी के साथ। तो पानी इसमें डाल करके हम गैस पे रख देंगे और इसे बॉईल होने देंगे। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा, इसमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। और इसके बाद इसे हम ठंडे पानी से वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद ये रेडी है यूज़ करने के लिए, लेकिन उससे पहले इसे निचोड़ करके और स्क्वीज़ कर करके आप इसके सारे पानी निकाल सकते हो। इसके बाद इसमें हम डालेंगे सबसे पहले सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हो। नाउ ऐड ग्रेटेड जिंजर लगभग एक चम्मच। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो जिंजर और मिर्ची को आप बारीक कूट करके भी इसमें ऐड कर सकते हो। नाउ ऐड राइस फ्लावर, चावल का आटा हम इसमें ऐड करेंगे लगभग एक चम्मच। नाउ ऐड 1 टीस्पून ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून। अमचूर पाउडर डालेंगे, बहुत ही चटपटा टेस्ट आता है इससे। और 2 चम्मच ऑयल यूज़ करेंगे, आप कोई सा भी इसमें ऑयल यूज़ कर सकते हो। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें लगभग 1/2 टीस्पून वाटर हम इसमें ऐड करेंगे ताकि जो मसाले अच्छे से कोट हो जाए। वाटर की जगह पे आप दही भी यूज़ कर सकते हो, फ्रेश दही अगर आपके पास है तो 1 चम्मच फ्रेश दही डाल करके आप यूज़ कर सकते हो। पैन मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था तेल डाल के, और इसमें हम 5 से 6 पीस या जितना सफिशिएंट इसमें तेल में जाए उतना हम इसमें डालेंगे। गर्म तेल रहना चाहिए और इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो डीप फ्राई हमें तब तक करना है जब तक ये गोल्डन और क्रिस्प ना हो जाए। तो जैसा आप देख रहे हैं फ्लेम मीडियम ही रखें ताकि ये अच्छे से कुरकुरे हो सके। और ये देखिए ये गोल्डन कलर के हो चुके हैं, इसे हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। तो देखा बन के तैयार है। कितनी कम इंग्रेडिएंट के साथ मैंने आपको बताया है आज प्रोटीन पैक स्नैक्स रेसिपी, वो भी सोयाबीन की। बहुत ही आसान है बनाना। इसे आप टोमेटो केचप के साथ या चिली सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है, बहुत ही क्रिस्पी एंड कुरकुरे भी है। तो आज का रेसिपी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक जरूर करें। साथ ही कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू रेसिपीज लाऊं आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी कुकिंग।